नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बजाज 5000 के ईएमआई कार्ड के बारे में। दोस्तों काफ़ी लोग हैं जिनका कार्ड ब्लॉक हो चुका है, और दोस्तों उनका कार्ड क्यों ब्लॉक हुआ, किस वजह से ब्लॉक हुआ और उसका रीज़न क्या है दोस्तों, और आप उसे कैसे अनब्लॉक कर सकते हो, मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों सब कुछ वीडियो बताऊंगा, जिससे उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल नहीं हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे जब भी कोई वीडियो यूट्यूब पर डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, और मैं आपको बजाज 5000 के ईएमआई कार्ड के बारे में पूरी जानकारी देता हूं कि कैसे आप उसे अनब्लॉक कर सकते हो और आपके कार्ड का ब्लॉक होने का रीज़न क्या क्या है। तो दोस्तों आपने काफ़ी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पर, जिनमें दोस्तों ये बताया गया है कि आप अपना बजाज कार्ड कैसे अनब्लॉक कर सकते हो, बट दोस्तों उसमें कोई पक्का रीज़न नहीं बताया गया है कि आप उसे अच्छी तरीके से कैसे अनब्लॉक कर सकते हो और ब्लॉक होने का रीज़न क्या है। बट दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि आपका कार्ड कैसे ब्लॉक हुआ और आप उसे कैसे अनब्लॉक कर सकते हो। दोस्तों आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के टाइम पर काफ़ी लोगों ने अपना मोरेटोरियम लिया हुआ था, मोरेटोरियम की जो पॉलिसी दोस्तों वो लोगों ने ली हुई थी। तो दोस्तों जब मोरेटोरियम लिया हुआ था तो उसी वजह से हमारा जो कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया गया था कंपनी तरफ से। और दोस्तों अभी तक काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ये मोरेटोरियम की पॉलिसी ली हुई थी और उनका कार्ड ब्लॉक है। तो दोस्तों कैसे आप उसे अनब्लॉक कर सकते हो, दोस्तों आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग बता रहे हैं कि आपको अपने बजाज 5000 के पोर्टल पर जाना है, और वहाँ पर जाकर दोस्तों आपको अपने कार्ड पर जो अनब्लॉक का ऑप्शन आता है उसको क्लिक करना है। बट दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहे कुछ भी कर लो आपका कार्ड ब्लॉक नहीं होगा, आपका कार्ड अनब्लॉक नहीं होगा, आपका कार्ड जो कार्ड है ब्लॉक ही रहेगा। दोस्तों काफ़ी लोग हैं जो परेशान हैं, क्योंकि दोस्तों वो फिर से अपनी शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं अपने कार्ड से, क्योंकि दोस्तों उनका जो कार्ड है वो ऑलरेडी ब्लॉक है। बट दोस्तों मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ जिससे आप अपना जो कार्ड दोस्तों आप उसे अनब्लॉक कर सकते हो और फिर से अपनी ईएमआई पर शॉपिंग कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों हमारे जो कार्ड है बजाज वाला, इससे काफ़ी लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं, जैसे मोबाइल, टीवी, फ्रिज वगैरह। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप जिस भी सिटी से हो, आप दोस्तों क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना है और उसमें दोस्तों टाइप करना है बजाज 5000 ऑफिस। तो दोस्तों आपका जो आपके सिटी में जो सबसे नज़दीक सेंटर होंगे बजाज वाले, आपको अपने नज़दीक सेंटर में जाना है बजाज के में, और वहाँ आगे दोस्तों आपको अपना बजाज 5000 का जो नंबर है या फिर अपना आपका जो मोबाइल नंबर है जो बजाज कार्ड में लगा हुआ है, आपको नंबर वहाँ पे बताना है, जिससे आपके कार्ड की पूरी डिटेल निकल आएगी और दोस्तों वो आपको बताएंगे कि आपका कार्ड किस वजह से ब्लॉक हुआ। क्योंकि दोस्तों काफ़ी कंडीशन में क्या होता है कि हमने दोस्तों जो ईएमआई ली हुई थी पहले, उसमें हमारे कुछ पैसे बकाया रह जाते हैं, तो उस वजह से हमारा कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता है। तो दोस्तों आप वहाँ पर जाओगे तो आपको पूरी अच्छी तरह से बताया जाएगा कि आपका कार्ड क्यों ब्लॉक किया गया और आपका कार्ड क्यों ब्लॉक किया गया और आप उसे कैसे अनलॉक कर सकते हो। दोस्तों जब आप उसे वहाँ पे अपना नंबर बताओगे, वहाँ के जो कस्टमर होते हैं, वहाँ के दोस्तों कस्टमर केयर होते हैं, उन्हें जब आप अपना नंबर बताओगे तो वो आपकी पूरी जानकारी निकालेंगे और दोस्तों आपका जो कार्ड है वो उसे अनब्लॉक कर देंगे। बट दोस्तों आपका जो कार्ड है वो तुरंत अनब्लॉक नहीं होगा, उसमें दोस्तों कुछ टाइम लगता है, क्योंकि दोस्तों कस्टमर केयर जो होते हैं वो भी चाहते हैं कि उनके जो कस्टमर हैं वो फिर से उस कंपनी शॉपिंग कर सकें। तो दोस्तों आप वहाँ आओगे तो आपकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी और आपका जो कार्ड है वो अनब्लॉक की प्रोसेसिंग में डाल दिया जाएगा, जिससे आपका जो कार्ड है वो कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो जाएगा और फिर से दोस्तों आप अपने कार्ड से शॉपिंग कर सकते हो। पर दोस्तों अगर आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से अपने कार्ड को अनब्लॉक करने की कोशिश करोगे तो दोस्तों आप अपने कार्ड को अनब्लॉक नहीं कर पाओगे, फिर दोस्तों आपको बजाज 5000 को ऑफिस जाना पड़ेगा या फिर कस्टमर केयर पर कॉल करना पड़ेगा। बट दोस्तों आपको पता है कस्टमर केयर जो होता है बजाज का वो लगता नहीं है, तो आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। तो बेटा दोस्तों आप अपना टाइम खराब ना करें और सबसे पहले ही आप बजाज के ऑफिस में जाएं और वहाँ आके अपना कार्ड अनब्लॉक कराएं, जिससे आपका कार्ड अच्छे से अनब्लॉक हो जाए और ब्लॉक क्यों हुआ दोस्तों उसका भी रीज़न आपको पता लग जाए। दोस्तों मैं कहता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।